तो दोस्तों सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं हूँ इस समय राजीव चौक कर्नाट पैलेस सिटी। दिखाता हूँ आपको नज़ारा यहाँ का सुबह सुबह 7:30 बजे पे। क्या फिलहाल सोच रहा हूँ एक कड़क चाय कहीं मिल जाए, सो मैं कड़क चाय की तलाश में जाता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। चाय कहाँ मिलेगी देखते हैं। चाय कहाँ मिलेगी? चाय चलिए ठीक। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कभी ऑटो ऑटो वाले के चक्कर में ना पड़े, आराम से काम करते, इस चीज़ के लिए आप आए हैं यहाँ पे। सुबह भी पूरा ये सीपी खाली पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10-11 बज के इतनी भीड़ हो जाती है, इतना क्राउड हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। चलता हूँ आगे। पालिका मार्केट अभी खुली नहीं होगी, मैं पालिका भी आपको घुमाता हूँ। आगे की ओर लेके चलता हूँ आपका। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक धार्मिक स्थल पे, दिल्ली में, एक्चुअली दिल्ली से बाहर, आप समझ सकते हैं धार्मिक स्थल। सो मैं आपको बता दूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ। आज ही की मेरी फ्लाइट है 2 बजे की, जेट एयरवेज दिल्ली से वाराणसी की। तो उसका भी पूरा ट्रिप रिकॉर्ड करना और वहाँ के बारे में जानकारी हासिल करनी और अपने तक पहुँचाना। लाइव वीडियो तो बनाऊंगा ही मैं, और पूरा का पूरा सिटी खाली पड़ा है। फिलहाल मैं ढूंढता हूँ एक चाय। पैसे इंडियन करेंसी अभी मेरे पास नहीं है शायद, एक 200 की न्यू नोट पड़ी है और 10-20 के न्यू करारे नोट हैं, तो वो मैं खर्च करता नहीं क्योंकि वो वॉलेट में पड़े ही रहते हैं। 500 का एक नोट था, वो खर्च हो गया एक दिन, नहीं तो वो अलग ही स्टॉक में पड़ा रहता है, उसको खर्च नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसी न्यूज आई कि उसको खर्च करना पड़ा, कोई नहीं, आगे को चलता हूँ। लोग आके बैठने लग गए हैं चाय के लिए, देखता हूँ चाय कितनी मिलेगी। शायद यहाँ पे कुछ है, चाय है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। आगे बढ़ता हूँ, बहुत शांत जगह और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम मनमोहक। आगे शायद याद से उसका UPI का ATM आएगा। अंकल जी ठीक है, क्या गाना बजाते हुए जा रहे हैं, सुनाओ आपको। दिल्ली रुबा क्या तू है बेवफा, भाई गाने नहीं आता मुझे, मैं कोई सिंगर वंगर नहीं। लेकिन आप लोगों को हंसी आई होगी, मैं इसी में खुश हूँ। आगे बढ़ता हूँ। कभी कभी यार लाइट पड़ती है तो वीडियो की क्वालिटी बहुत निखर के आती है, दिल खुश हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा मैं कैमरा वैमरा यूज नहीं करता, मैं इस रेडमी नोट 5 प्रो के कैमरे से ही फ्रंट कैमरे शूट करता हूँ, बैक कैमरे शूट करता हूँ। पे है चाय, लेकिन वो चाय नहीं है, लेकिन है। और यहाँ पे है वो फायर पंप, बहुत फेमस नामी फायर पान वाले हैं। रात में इनके यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है,
रोटी भी खाऊंगा। अभी बंद है, ये है फायर पर वालों की दुकान, फायर पर वालों की दुकान। अभी दुकान ओपन नहीं हुई है, हो जाएगी थोड़े टाइम में, और अभी सफाई अभियान चल रहा है। और यहाँ पे क्रोमा का शोरूम है, आप देख सकते हैं क्रोमा बोर्ड लगा हुआ है। और मुझे ढूंढना था एटीएम, थोड़े कुछ मुद्रा पानी निकाल लिया जाए। चलिए चलता हूँ मैं आपको आगे लेके। भोजपुरी गाना पसंद करते हैं? भोजपुरी गाना कौन कौन पसंद करते हैं? समैया करे लपा लप लाली पाप लागे लो, किसको किसको पसंद है? इसका तो अब सुनने में आया कि इंटरनेशनल वर्जन भी आ गया इसका, लाली पॉप लागे लो का। काफी सारे लोग आ चुके हैं, अब आपको अच्छा दिख रहा होगा। ऐसे मैं धीरे धीरे सीखूंगा यार, बच्चा हूँ, जान लो यार बच्चे, कैमरा वगैरह करना स्टार्ट किया हूँ तो धीरे धीरे सीखूंगा। फिलहाल मुझे याद है जहाँ तक किसी लाइन में आपका यूपीआई का वो है, इस लाइन में यूपीआई का एटीएम है। वैसे मैं डीबीएस बैंक का कार्ड यूज करता हूँ, तो किसी भी एटीएम से कितने भी पैसे निकाल दो, ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन फ्री है, कोई बड़ा अकाउंट भी नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट है। आप भी चाहे तो ओपन करवा सकते हैं जी, ऑनलाइन ओपन हो जाता है। डीबीएस बैंक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, जो फैसिलिटी अच्छी है तो बता रहा हूँ, क्योंकि तो जहाँ तक मैंने देखा एसबीआई जितने भी बैंक हैं, अब बैलेंस चेक करने जाओगे तब पर पहले पैसे काट लेते हैं, 20 रुपये 25 रुपये। क्यों काट रहे हो भाई, फ्री के थोड़ी आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है तो फ्री के क्यों काट रहे हो? तो मैंने यार बोला यार नहीं यार, मैं इंडोनेशिया गया तो वहाँ पे देखा मैंने कि डीबीएस बैंक राइट, तो मैंने यार सोचा कि यार डीबीएस बैंक इंडिया में नाम सुना सुना लग रहा है, फिर देखा डीजी बैंक, उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च मारा और फिर निकल के आया कि है डीबीएस बैंक इंडिया में डीजी बैंक के नाम से ऑपरेट करता है। सो क्या था फिर मैं फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करी, आधार नंबर पैन नंबर डाला, आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया, खुल गया वॉलेट अकाउंट को मैंने डीजी सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट किया, डीजी सेविंग अकाउंट खुल गया ऑनलाइन। उसके बाद डेबिट कार्ड का रिक्वेस्ट है, मैंने डेबिट कार्ड का रिक्वेस्ट दे दिया, डेबिट कार्ड घर पे आ गया। तो ये कुछ अभी कुछ शहरों में ही है, तो आप लोकल एड्रेस में कहीं का भी, लोकल एड्रेस में आप कहीं का भी एड्रेस दे सकते हैं जहाँ पे आपको कार्ड चाहिए, और बाकी आधार परमानेंट एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड में है वही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। सो ऐसे खुल गया। हाँ, उसके बाद एक चीज़ और आपको करानी है, लिमिट, अगर आपको उसमें कुछ लिमिट रेस्ट्रिक्शन होती है तो उसके लिए आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए, फिंगर अंगूठा देने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। वैसे कहते हैं कैफे कॉफी डे में चले जाओ, आप कैफे कॉफी डे करा, लेकिन मैं कैफे कॉफी डे में चेक कर, उनका टायर फट चुका है डीबीएस वालों का कैफे कॉफी डे से। तो आप डीबीएस बैंक की ब्रांच में चले जाएं, दिल्ली में एक ही ब्रांच है, कर्नाटक पैलेस के आसपास, हनुमान मंदिर के पास है,
कर्नाटक वाले शिव मंदिर, वहीं पे एक ही ब्रांच है, तो वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ से आप जाके अंगूठा लगा लें, उसके बाद बस फ्री हो जाए आप, अक्सर यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खूब पैसे निकालिए, खूब डालिए, बहुत सारे हैं, और इसके एप्लीकेशन में भी बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आप उसमें से बहुत अच्छा है DBS बैंक, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेकेंड, मैंने IDFC का अकाउंट रखा है, IDFC का अकाउंट रखा, उसका डेबिट कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगा, डेबिट कार्ड की जो डिजाइनिंग है वो मुझे बहुत प्यारा लगा, एक्चुअली मैं उसको यूज ज़्यादा नहीं करता, मेरा DBS ही होता है, ये मैं ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ, और पेमेंट तो मेरा SBI वगैरह और भी उसमें आता है, लेकिन मैं यूज के लिए DBS नहीं होता, DBS बेटर है। IDFC रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में थोड़ा अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, IDFC भी सही है, DBS इज गुड। पैदल चलते चलते मैं आ चुका हूँ यार, ATM का नाम लिया और मेरे सामने ये देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ATM। सो मैं जाता हूँ यहाँ से, कुछ मुद्रा निकाल लिया, ATM में कैमरा अलाउड नहीं हुआ इसलिए नहीं जाता।